जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले है, जो मेहनत कर रहे हैं, उन सब हमारी शुभकामना। निश्चित रूप से मीना जैद भी जरूरत पड़ी, बिल्कुल सहयोग कर। देखो मेहनत कर रहे हैं वो लोग, संघर्ष कर रहे हैं, और मैं संघर्ष करने वाले हमेशा मैं तारीफ भी करा और करनी भी चाहिए। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने खूब खूब बधाई दिया, और जैद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा, बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप से मीना मेरे सब वर्तमान रमीना में जोधपुर में हाँ, और आज होम सिंह जी रक्तदान शिविर है, ये कार्यक्रम रमीना भाग लेने वास्तव में आज हाजिर हुई। उपचुनाव का बिल्कुल बचेगा, 7 सीटों पर उपचुनाव है, कई लोग निर्दलीय चुनाव प्रचार भी भरा है, अपेक्षा कर रहे हैं आपसे कि आप जाएं प्रचार करें। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहा है, जो छात्र राजनीति में निकले है, जो मेहनत कर रहा है, वहाँ सब हमारी शुभकामना। निश्चित रूप से मीना जैद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा। 84 सीट एक ऐसी सीट है जहाँ राजकुमार रोड अपनी पार्टी है, आपके काफी करीबी है, तो आप 84 में जो है वहाँ जाएंगे? देखो मेहनत कर रहे हैं वो लोग, संघर्ष कर रहे हैं, और मैं संघर्ष करने वाला हमेशा मैं तारीफ भी करा और करनी भी चाहिए। वाकई बहुत बढ़िया तरीके में चुनाव लड़ रहे हैं, उन्हें शुभकामनाएं। नरेश जी मीणा ने कहा है कि हमें रविंद्र जी से बात हुई है, वो चुनाव प्रचार के लिए आएंगे, मेरा सहयोग करेंगे। विश्वविद्यालय साथी है, आज मजबूती लड़ाई लड़ रहा है, उन्होंने खूब खूब बधाई दिया, और जैद भी जरूरत पड़ी बिल्कुल सहयोग करा, प्रचार के लिए जाने वाले बिल्कुल सहयोग करा और बढ़िया तरीके में करा। निश्चित रूप से मीना मेरे सब छात्र राजनीति में निकल रहा है यहाँ, और छात्र राजनीति में कोई निकले, कोई युवा अगर धरातल मात्र मेहनत करे, तो निश्चित रूप से मीना वहाँ बड़ी मारी शुभकामना। क्या लगता है ये सरकार की अग्नि परीक्षा पहली बड़ी परीक्षा है? देखो जनता तय कर है ये उपचुनाव रे मीना, जनता रो जो मूड है वो पता चल है। निश्चित रूप रे मीना जनता आप रो फैसलो आने वाले समय मीना दे है, 13 तारीख रो वोट रिचोट रे बेलो दे। आज भोमसारो रक्तदान शिविर है, वो कार्यक्रम में मीना जा रहे हो, भविष्य मीना अगर के हुआ तो निश्चित रूप में मीना साहब पहले।